हेलो रेवन। तो आज देश में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार। तो यहाँ समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार होता क्या है और इतिहास में क्या क्या कहानियाँ प्रचलित है कि कैसे रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ है। फिर समझेंगे कि समाज के लिए इसका क्या महत्व है रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर के, और वर्तमान समय में क्या इसके लिए ट्रेंड चल रहा है, और क्या आज भी रक्षाबंधन त्यौहार पहले के जैसा उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पहले समझते हैं रक्षाबंधन होता क्या है। देखिए, रक्षाबंधन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक बंधन के जरिए किसी का रक्षा करने का वचन दिया जाता है। देखिए, हमारे इंडिया में क्या इसका प्रचलन है कि सावन महीना के पूर्णिमा के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधता है, एक धागा बांधती है ना, और इसके जरिए क्या भाई बहन को वचन देता है कि आपके सुख दुख में हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, विपत्ति जब आएगा तो आपको क्या करेंगे, बचाएंगे। अब समझते हैं कि इसको लेकर के इतिहास में कहानियां क्या प्रचलित है, ये कैसे हमारे यहाँ रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ। तो देखिए, एक कहानी प्रचलित है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर के, और एक कहानी प्रचलित है रानी कर्मवती और हुमायूं को लेकर के। ये कहानी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या कि प्राचीन भारत में, क्या आप महाभारत का नाम सबको सुनोगे, तो महाभारत में क्या था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ थे पांडव थे। तो पांडव की पत्नी थी द्रौपदी, है ना, अब पांडवों के दोस्त कौन थे, कृष्ण थे, एक तरफ क्या था, दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव था। तो बोला यह जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का कलाई किसी तरह से कट गया, बहुत ही कष्ट में थे। तब द्रौपदी क्या की थी कि अपने साड़ी का जो पल्लू होता है उसको फार करके इनके हाथ के कलाई को बांधी थी, तब जा करके कृष्ण भगवान को दर्द से छुटकारा मिला था। तभी से बोला जाता है कि कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि तुम हमारी सहायता इतने मुश्किल समय में की है, तो हम भी तुम्हारा सहायता करेंगे मुश्किल समय में। और यही बोला जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कौरवों द्वारा, मतलब साड़ी उतारा जा रहा था भरी सभा में, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाया था। तो कृष्ण ने द्रौपदी का भाई बन के रक्षा की अपने बहन का, उसी समय से क्या बोला गया कि भारत में रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाने लगा। एक कहानी है। दूसरा कहानी क्या है कि मध्यकालीन भारत में रानी कर्णवती जो कि मेवाड़ की शासिका थी, जब क्या हुआ कि उसके दुर्ग पर आक्रमण हुआ तो हुमायूं के पास एक राखी भेजी और उसे सहायता का प्रार्थना किया, तभी से मनाया जाने लगा रक्षाबंधन त्यौहार। अब देखिए, रानी कर्णवती थी कौन? तो रानी कर्णवती थी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के, आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप की दादी थी। समझिए, क्या राणा सांगा का क्या हो गई, पत्नी हो गई, है ना। राणा सांगा का क्या हुआ, दो बेटा, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह का बेटा कौन थे, महाराणा प्रताप थे, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध लड़े थे। तब समझिए क्या हुआ, यहाँ पर मेवाड़ है, राजस्थान का इलाका में मेवाड़ है ना। तो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। राणा सांगा क्या होता है, जब बाबर के साथ एक युद्ध होता है, खानमा के युद्ध में हार जाते हैं, तो राणा सांगा को उसे सरदार द्वारा जहर देकर हत्या कर दिया जाता है, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए कि रानी कर्णवती विधवा हो गई, अब दो को छोटा छोटा बच्चा है, राणा विक्रमादित्य, राणा उदय से। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये गुजरात है, और गुजरात के शासक बहादुर शाह है। तो बहादुर शाह क्या करता है कि देखता है कि मौका बढ़िया है, इसके एरिया को जीत लिया जाए, तो मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ के अंदर में यहाँ पर होता है आपका चित्तौड़, और चित्तौड़ सबसे महत्वपूर्ण किला होता है। किला मतलब क्या होता है, रहने का जगह होता है जो बहुत ही मजबूत होता है वहाँ पर। तो चित्तौड़ किला पर आक्रमण करता है, तो रानी कर्णवती असहाय होती है, रक्षा करने का प्रयास करती है। तब सोचती है कि सहायता किससे मांगा जाए, तो यहाँ दिल्ली में उस समय शासक होता है, पूरे भारत का शासक से माना जाता है हुमायूं। तो हुमायूं के पास एक राखी भेजती है कि देखिए हम बहुत ही विपत्ति में है, हमारी रक्षा किया जाए। तो बोला जाता है कि जैसे ही राखी मिलता है उसको, रानी कर्णवती की सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच जाता है और रानी कर्णवती को बचा लेता है। और इसी के उपलक्ष्य में क्या हो गया, तब से इतिहास में देखा गया कि जब भी किसी को विपत्ति पड़ता था, तो किसी महिला को विपत्ति पड़ गया तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को क्या करेगा, राखी भेज देगा और रक्षा करने चला जाता था, ऐसा बोला गया। और उसी समय से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। अब देखिए, यहाँ पर तो बोला गया कि भाई हुमायूं ने रानी कर्णवती को बचा लिया, लेकिन इतिहासकारों में इस बात का मतभेद है। बहुत सारा इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूं ने रानी कर्णवती को नहीं बचाया, क्योंकि अगर रानी कर्णवती को बचा लेता, चित्तौड़ को बचा लिया जाता, ये पूरा एरिया को बचा लिया जाता, तो रानी कर्णवती जौहर नहीं करती। जौहर मतलब क्या होता, आत्मदाह होता। तुरंत समझाते हैं क्या होता, समझे क्या है? बोला ही जाता है कि रानी कर्णवती जब सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी, है ना, एक लेटर भेजी और राखी भेजी, तो वो आना चाहता था बचाने के लिए, लेकिन वही समय क्या हुआ कि यहाँ पर बहादुर शाह है, बहादुर शाह भी क्या किया, इसके पास एक लेटर भेजा हुमायूं के पास। अब बोला कि हम जिहाद छेड़े हुए हैं, जिहाद मतलब क्या होता है, जो गैर मुस्लिम है उसको मुस्लिम बनाना, है ना, इसलिए उसके ऊपर आक्रमण करें। तो बोला कि चूंकि आप ही, हुमायूं भी मुस्लिम है, बहादुर शाह भी मुस्लिम है, और ये कौन है, रानी कोची है,
हिंदू है। तो बोला कि हिंदू को बचाने आप क्यों आ रहा है, हम तो जिहाद छोड़े हुए हैं, तो आपको बचाने नहीं आना चाहिए मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो बोला जाता कि बचाने नहीं आया। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह चित्तौड़ को पराक्रमण कर दिया है ना। चित्तौड़ के किला में क्या थे, रानी कर्मवती थी, उसका छोटा छोटा बच्चा था राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। अब देखा रानी कर्मवती कि हम बचा नहीं पाएंगे, तो अपना बेटा को, दोनों को, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह को कहीं भेज दिया, दूसरे किला में भेज दिया सुरक्षित स्थान पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा। और रानी कर्णवती और सब जितना महिला वगैरह थी यही पका कि जौहर कर ली। जौहर क्या होता समझिए, जौहर होता आत्मदाह, मतलब खुद को जला देना, खुद को क्या करना, जला देना। ये जौहर क्यों किया था, इस खास करके उत्तर भारत में जौहर प्रचलन में था, और जो राजपूत होते थे ना वो जौहर करते थे। होता क्या था कि जब कोई मुस्लिम आक्रमणकारी किसी राजपूत राज पर आक्रमण करता था तो वहां के महिलाओं को डर लगता था कि हमारी इज्जत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई पकड़ के ले जाएगा, रेप करेगा, हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं है। तो क्या करता, सब मिल के क्या करता था कि आग लगा लिया और उसी आग में अपने आप को जला लेती थी स्वेच्छापूर्वक। इसी को बोला जाता है जौहर। तो इस तरह से जौहर कर ली है ना। और इस तरह से क्या हुआ कि इतिहास में रानी कर्णवती का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। बाद में क्या होता है, यही रानी कर्णवती का बेटा राणा उदय सिंह के बेटा फिर होता है महाराणा प्रताप, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध अकबर के साथ लड़ता है। तो इस तरह से कहानी प्रचलित है। अब बात करते हैं कि ठीक है, चाहे जिस भी कारण से रक्षाबंधन मनाया जाता हो, इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन रक्षाबंधन का एक्चुअली समाज के लिए महत्व क्या होता है, देखिए समाज के लिए महत्व क्या होता है। चूंकि देखिए भाई बहन समान उम्र का होता है ना। अब बहन का शादी किसी दूसरे के यहाँ हो जाता है ना, और तब तक क्या होता है कि कुछ दिन के बाद बाप मर जाता है, क्योंकि बाप थोड़ा ज्यादा एज का होता है, तो बाप तो अपना बेटी को बचा नहीं पाएगा। मान लेते हैं कि ससुराल वाला क्या करेगा कि उसका बेटी को मारेगा, तो बाप तो स्वर्ग से थोड़े ना बचाने आएगा। तब यहाँ पर कौन है, भाई है। भाई क्या करेगा, जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और कई बार क्या होता है ना कि बहन का दुख दर्द जब होता है ससुराल वगैरह में ना, तो बताती भी नहीं है, लेकिन जब भाई उसे मिलने जाता है साल भर 6 महीने के बाद मिलने जाता है, तो उसको देख करके पता चल जाता है भाई को कि भाई हमारे बहन के साथ क्या समस्या है। तो रक्षाबंधन त्यौहार इसीलिए बनाया गया है कि मान लेते हैं कि नॉर्मल केस में भाई तो बहन के यहाँ जाएगा नहीं, जाएगा कभी नहीं हो जाएगा, लेकिन यही कम से कम त्यौहार मनाने के लिए हो सकता है बहन भाई के यहाँ जाए या भाई बहन के यहाँ जाए, और उसका जो चेहरा देखेगा, मोहरा देखेगा है ना, तो उसको हो सकता है उसको जो समस्या होगा उसको समझ पाएगा, और भाई जो कदम उठाया जा सकता है वो उठा सकता है। तो ये इसका सामाजिक महत्व है। और साथ ही क्या है कि आपस में आने जाने से क्या होता है, प्रेम वगैरह भी बढ़ता है, तो इसके लिए भी रक्षाबंधन त्यौहार रखा गया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में क्या ट्रेंड चल गया है। देखिए वर्तमान समय में क्या है, कोई भी फेस्टिवल क्या है, दिखावा का फेस्टिवल बन गया है। ये भी रक्षाबंधन में उसी कैटेगरी में आता है कि आजकल क्या है, दिखावा सोना चांदी का राखी बन रहा है। पहले धागा सिर्फ बना जाता था, आजकल क्या है कि सोना चांदी का राखी बना रहा है ना। और ऐसे बहन से भाई बातों नहीं कर रहा है, जब जरूरत पड़ा था भाई मोबाइल बंद कर ले रहा था कि भाई मदद ना मांग ले। आज जब रक्षाबंधन के बाद आएगा तो फोटो खिंचा खिंचा कर पूरा फेसबुक और सोशल मीडिया पर क्या करा, अपलोड कर रहा है, ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, सुधार करने की आवश्यकता है। तो वर्तमान में इसका महत्व क्या होगा, उससे पहले समझते हैं क्या है कि अब एक्चुअली में क्या रक्षाबंधन की जरूरी है। क्या यह जरूरी है कि भाई अपना बहन को रक्षा करने जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम क्या देखते हैं कि पहले क्या था कि मान लें कि पुलिस वुलिस नहीं होता था, प्राचीन समय पुलिस थोड़ी ना होता था, तो चलिए भाई बहन के मार दिया, कोई जानने वाला नहीं है, जला दिया। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आपको भाई को जाने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस उसको रक्षा करेगा, न्यायालय रक्षा करेगा, या कोई दिक्कत है तो बहुत सारा महिला संगठन होता है, महिला आयोग होता है, वहाँ जाकर अपना रक्षा करवा सकती है। तो बात आता है कि वर्तमान में आखिर इसका महत्व नहीं है क्या, रक्षाबंधन को छोड़ दिया जाए, नहीं। रक्षाबंधन त्यौहार को या कोई भी त्यौहार है उसको वर्तमान परिदृश्य के अनुसार क्या करना चाहिए कि अंगीकार करना चाहिए। जैसे समझिए क्या, अभी सबका लाइफ बहुत ही क्या चलता है, व्यस्त चलता है, किसी के लिए किसी के पास समय नहीं। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि जब एक दूसरे को समय नहीं दीजिएगा तो रिलेशन में दूरी बढ़ना क्या होता है, शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लोग क्या है कि आना जाना रहेगा, एक दूसरे के साथ मिलेगा बैठेगा, तो प्रेम बना रहेगा। तो मान लेते हैं कि ऐसे जनरली क्या है कि आदमी मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम रक्षाबंधन त्यौहार के नाम पर तो एक दिन मिलने जाएगा। और जब मिलने जाएगा तो अकेले थोड़ी जाएगा, अपने बेटा को भी ले जाएगा, तो एक दूसरे से मिलेगा, एक दूसरे परिवार के बीच क्या होगा, नज़दीकियाँ बढ़ेगा और रिलेशन को क्या करेगा, मजबूत करेगा। तो इस तरह से क्या है कि रक्षाबंधन को अभी भी या कोई भी त्यौहार है उसको अभी भी मनाया जाने के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिस कमी उसमें जो खराब चीज़ दिखाई देता है उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, बाकी क्या है कि पर्व को जो है, त्यौहार को जो है कंटिन्यू किया जाना चाहिए।